ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। गुरुग्राम में क्राफ्ट मेले का आयोजन ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति की ओर से किया गया। मिनी सूरजकुंड की तर्ज पर इस मेले का आयोजन किया गया और साथ ही इस मेले का उद्देश्य लोगों को रोजगार देना और मेले की कमाई को बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है। ग्रामीण विकास प्रतिभा संस्था हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस को लेकर कार्य करती है और इस मेले में क्या कुछ खास रहा दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर अब गुरुग्राम में भी क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति की ओर से किया गया। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर गुरुग्राम में इस संस्था ने गुरुग्राम क्राफ्ट मेले का आयोजन किया। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है। इतना ही नहीं, जो लोग फरीदाबाद में नहीं जा सकते हैं वो अब गुरुग्राम में भी उनकी झलक को देख सकते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में सूरजकुंड मेले की तरह ही हरियाणा की संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति के संचालक रामनिवास शर्मा का मानना है कि इस तरह के मेले से लोगों को अपनी संस्कृति देखने को मिलती है। ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति के संस्थापक का कहना रहा कि इस तरह के मेले से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं को सही दिशा भी मिल रही है। वही संस्था के संस्थापक ने बताया कि इस मेले से जो भी कमाई की जा रही है वो छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए लगाई जा रही है और इसीलिए उनकी संस्था ने नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम किया है। संस्था का लक्ष्य है कि कमाए गए पैसों को बच्चों की शिक्षा में लगाया जा सके, जिससे ये बच्चे जीनियस बन जाए। देखो, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य गुड़गांव क्राफ्ट मेले का है कि लोगों को रोजगार देना। डायरेक्ट रूप से 1000 लोग इससे रोजगार में जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट रूप से करीबन 5 से 6 हजार लोग जुड़े हुए हैं इस गुड़गांव क्राफ्ट मेले से। और इसकी जो कमाई होगी उसका सारा उद्देश्य हमारा उसका यह है, उस सारी कमाई को ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति के बैनर के नीचे हर बच्चा बन सकता है जीनियस के लिए लगाए। जो पिछले साल 1,06,000 बच्चों का एग्जाम लिया था, इस साल हम 87,000 बच्चों ने अभी एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिए हैं और 11 फरवरी को एग्जाम होगा, जिसके अंदर सभी बच्चों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको प्रतिभा को निखारा जाता है। इस तरह से कई बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा सामने आई है। आप सभी को इसकी पूरी कमाई, एक मेले की पूरी कमाई जो है संस्था का ग्रामीण बच्चों के लिए कार्य करती है, वो संस्था उसके लिए जाती है। ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति के बैनर तले शुरू हुए इस मेले में शनिवार को हरियाणा डेयरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन जीएल शर्मा ने शिरकत की। मेले में पहुंचे जीएल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण प्रतिभा विकास संस्था हरियाणा में बहुत अच्छा काम करती है। इस संस्था ने हरियाणा में कई समाज सुधार भी किए हैं। ये गुरुग्राम क्राफ्ट मेला जो कल हम देख के आए थे, कल अपना सूरजकुंड में हमने जो देखा तो उसी का एक छोटा रूप यहाँ देखने को मिला गुरुग्राम की धरती पे। और जो लोग इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनका इस मेले के माध्यम से जो देखा कि इससे जो कमाई आती है उसको जो रूरल बैकग्राउंड के हमारे जो बच्चे हैं उनकी कंपटीशन एजुकेशनल और कल्चरल कंपटीशन करा के उन लोगों को यहाँ इनाम दिया गया हमारे साथियों ने। ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति की ओर से क्राफ्ट मेले का आयोजन लोगों को खूब लुभा रहा है। मेले से कमाई बच्चों की शिक्षा के लिए लगाई जा रही है और मेले से लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। इस संस्था ने ऐसे कई काम किए हैं। आपको बता दें कि कौटिल्य पंडित और जानवी इसी संस्था से निकले हुए बच्चे हैं और अब इस संस्था की इस पहल से काफी लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। गुरुग्राम से गुलशन गरोवर की रिपोर्ट।